हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अन अकेडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत आप सभी का हमारे अन अकेडमी परिवार पर। उम्मीद आपकी खुशहाली की। और मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों की पढ़ाई जमकर चल रही होगी और मैं जो पढ़ाई करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ना आप लोगों को फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करके, उम्मीद मेरी कोशिश कामयाब हो रही होगी। सो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों के फुल डिमांड पर कि हमें निखिल सर से सॉइल मैकेनिक्स पढ़नी है, उसी डिमांड को पूरा करने के लिए यहां इसी प्लेटफॉर्म पर अन अकेडमी की स्पॉन्सरशिप के अंडर सॉइल मैकेनिक्स के टोटल फ्री लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह का कंटेंट आप लोगों को जो मैं दे चुका हूं पहले, सर्वेइंग इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग प्लस अब सॉइल मैकेनिक्स, इसी तरह का कंटेंट मुझसे पढ़ने के लिए अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करो, निखिल गोयल सर्च करो, ताकि मेरी फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। और मेरे प्यारे बच्चे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के समक्ष जितने भी हम फ्री लेक्चर लेते रहेंगे वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, आज मैं आप लोगों के लिए सॉइल मैकेनिक्स लेकर आया हूं। तो सॉइल मैकेनिक्स के सेशन में क्या पढ़ाने वाला हूं, बाद की बात है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी के लिए ना अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूं। अगर कोई बच्चा मेरे प्लस कोर्स में जुड़कर मुझसे अपनी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है, अपने थ्योरी के कंसेप्ट को बूस्टअप करना चाहता है, प्लस अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट करना सीखना चाहता है, तो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकता है। ये मेरा कोड है एनजी लाइफ। इस कोड के साथ आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी तो करवाई ही जाती है, प्लस आपको सिविल इंजीनियरिंग सिखाई भी जाती है। मेरा पूरा एम रहता है कि जो भी बच्चा मेरी गाइडेंस में आए, मैं उस बच्चे को फुल ट्रेन करके भेजूं ताकि फ्यूचर में जिस भी डिपार्टमेंट में उनकी जॉब लगती है वहां पर अपने रिस्पेक्ट गेन कर सके। सिंपल सी बात है, देखिए जितना ज्यादा काम आता होगा उतनी ज्यादा इज्जत बनेगी, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना है आप लोगों को एनजी लाइफ। अच्छा, इसका एक छोटा सा बेनिफिट और आता है कि जब आप लोग इस कोड को अप्लाई करते हैं ना, चाहे आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई करो, आपको 10% का डिस्काउंट अवेल होता है ओवरऑल कॉस्ट पर। तो कोड क्या है, एनजी लाइव कोड है। नाउ मेरे प्यारे बच्चे, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें ये कोड अप्लाई किया जा सकता है? सर, अन अकेडमी पर ना 32 प्लस कोर्सेज की तैयारी करवाई जाती है टॉप एडुकेटर द्वारा। तो 32 प्लस कोर्सेज में आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं, एनजी लाइव कोड को 10% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। कोई आपका भाई बंधु, कोई आपका दोस्त पढ़ाई करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है और एक ऑफिसर बनना चाहता है, तो वो अन अकेडमी पर आ सकता है। इंडिया के बेहतरीन एडुकेटर अन अकेडमी पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं भी पढ़ा रहा हूं। मेरा कोड है एनजी लाइफ, निखिल गोयल लाइफ, एनजी लाइफ याद रखना है आप लोगों को। जब आप पेमेंट करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलता है। तो जब आप इस तरह के पेज को देखेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आता है हैव अ रेफरल कोड का। जब आप यहाँ पर एनजी लाइव पुट करेंगे, जैसे पुट करेंगे मुस्कुराइएगा, चेहरे पर एक मुस्कुराहट अच्छी लगती है, सुंदरता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि 10% का डिस्काउंट मिलता है। सर, एक साल की कॉस्ट 5400 रुपए पड़ती है। 5400 में क्या क्या मिलता है? सर, सब कुछ मिलता है जो तैयारी करने के लिए जरूरत होती है, कॉपी पेन को छोड़ के। कॉपी पेन के लिए पैसा मिलता है 10% ऑफ का, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, एनजी लाइव कोड की महत्वता क्या है कि ये आपको लाइव लेक्चर देगा, लाइव डाउट सेशन देगा, हर क्लास की पीडीएफ देगा, प्लस लास्ट मिनट रिविजन की स्ट्रेटजी भी देगा। मतलब आपका जिस दिन एग्जाम है उस दिन के लास्ट मिनट तक भी आप अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। फ्री टेस्ट सीरीज भी देता है। ये सब कुछ जो भी आप लोगों को तैयारी करने के लिए जरूरत होती है वो सब कुछ आपको इस एनजी लाइव कोड से मिलता है। याद रखिए, एनजी लाइव कोड बेहतरीन कोड है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब बात आती है कि सॉइल मैकेनिक्स के सेशन में आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया जाएगा। 15 से 20 लेक्चर की कोशिश करूंगा कि पूरी सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट कर दूं। और एक बात और, ये पेड कंटेंट है। पेड कंटेंट इन द सेंस, मैं अपने पेड वाले स्टूडेंट्स को इस एनर्जी से पढ़ाता हूं, इतने ढंग से पढ़ाता हूं। तो मेरी गुजारिश आप सभी से, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, हर दोस्त तक वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि मैं चाहता हूं देश में उन बच्चों तक वीडियो पहुंचे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते।
तो आप लोग मेरी मदद करिए इस छोटी सी चीज में, और मैं आपकी मदद करूंगा आपकी तैयारी में। इसी तरह मदद करने से दोनों की गाड़ी आगे चलेगी और देश का भला होगा, बिकॉज देश है तो हमें, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सॉइल मैकेनिक्स के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम अपनी पढ़ाई को उम्दा तरीके से करते हैं। सेशन के अंदर वी नीड टू डील विद बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। आज देखो लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आज लैपटॉप चेंज कर लिया मैंने तो लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। देखो यहां पर इसका मतलब समझना, शब्दों का महत्व होता है। बियरिंग का मतलब होता है सहना, और मिट्टी क्या सहती है? मिट्टी मेरे लोड को सहती है। जिस प्रकार से मेरी मिट्टी के ऊपर मेरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, और जो भी मेरे स्ट्रक्चर का लोड होता है वो एक्चुअली मेरी मिट्टी को सहना पड़ता है। तो यहां पर मैं मिट्टी की सहन शक्ति के बारे में, मिट्टी की कैपेसिटी, मिट्टी की क्षमता के बारे में पढ़ने वाला हूं। और वो क्षमता को पढ़ने के लिए हम एक चीज का सहारा लेते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द फाउंडेशन। क्वेश्चन आता है कि हम लोग फाउंडेशन का सहारा क्यों लेते हैं? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, फाउंडेशन एकमात्र वो हिस्सा होता है मेरे स्ट्रक्चर का जो डायरेक्ट सॉइल के कॉन्टेक्ट में होता है। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? इसलिए हम लोग फाउंडेशन का सहारा लेते हैं अपनी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को पढ़ने। ठीक है, नाउ मेरे प्यारे बंधुओं, हैव अ कंसंट्रेशन हेयर कि फाउंडेशन का जब सहारा ले रहा हूं तो यहां पर फाउंडेशन आपकी दो तरीके की होती है। एक होता है आपका शेलो फाउंडेशन, एक होता है आपका डीप फाउंडेशन। तो आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को शेलो फाउंडेशन कंप्लीट का एकदम कोशिश करूंगा कि कंप्लीटली पढ़ा दूं। हाँ पूनम चौहान, ठीक बोला आपने। और कल आप लोगों का शायद से कल ऑफ है क्या? कल नहीं, कल क्लास है ना। हाँ कल, कल डाउट सेशन है तो मैं आप लोगों को डीप फाउंडेशन क्लियर करा दूंगा कल। निर्मला गोगोई स्वागत, चेतन स्वागत, तेजस स्वागत, वर्षा मसक्कत स्वागत, कोरी आज पहली बार मेरे साथ शायद से बन रहे हैं, कोरी यहां पर, कोरी उम्मीद है सेशन पसंद आएगा आपको। और बने रहना, थोड़ा सबर करना, क्योंकि मैं टाइम लगाता हूं समझाने में, लेकिन समझाकर अच्छा जाता हूं ऐसा बच्चों का कहना है, तो आप थोड़ा सा सबर करिए। गॉट इट? चले नाउ मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट नहीं हुए, स्टार्ट ही कर रहे हैं बिल्कुल। सेशन को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक बारी जल्दी से थम्स अप करके बता दो मेरी आवाज, मेरा सब कुछ आप तक पहुंच रहा है जो मैं ज्ञान आप लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सॉफुल सेफ्यूल आज ही हमसे इन्होंने ज्वाइन करा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो हाँ ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, बात आती है यहां से कि मैंने आपको बताया बियरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ सहन शक्ति मेरी मिट्टी की, मेरे भारत की मिट्टी की ताकत कितनी है उसके बारे में मुझे पढ़ना है। वैसे तो इसको शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे भारतीय जवान मेरे भारतीय मिट्टी में पलते हैं, और जो भारतीय जवान में खून रोकता है उनकी ताकत को शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो सहन शक्ति मिट्टी की बात करी जा रही है यहां से, फाउंडेशन की मैंने बात करी। फाउंडेशन क्या होता है, ये पिक्चर आपको दिख रही है, हिंदी में इस पिक्चर को आप क्या नाम देते हैं? हिंदी में कहा जाता है नींव, या मैं कहना चाहूंगा द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सॉइल इज नोन टू बी एज द फाउंडेशन। अब बात आती है, क्लियर करेंगे यहां से कि फाउंडेशन का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, मेरे इस मार्कर को जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहां पर मैंने कहा सबसे निचला हिस्सा जो डायरेक्ट मिट्टी के कॉन्टेक्ट में होता है और मेरे पूरे के पूरे लोड को मिट्टी में ट्रांसफर करता है, उस हिस्से को क्या कहते हैं? मुझसे ONGC इंटरव्यू में यह बात पूछी गई थी, असल में इतनी प्यारी आसान बात मैं आपको बताना चाहता हूं। उस निचले हिस्से को, लोअर मोस्ट पोर्शन, लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द फाउंडेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड एक्चुअली, उसको कहा जाता है फुटिंग। गॉट इट? फाउंडेशन जनरली आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है शेलो फाउंडेशन, एक होती है आप लोगों की डीप फाउंडेशन। मैं आप लोगों को छोटी सी बात लिखवा देता हूं, वैसे तो मैं इसके बारे में आपको बाद में पढ़ाऊंगा कल, कि शेलो फाउंडेशन का क्या क्राइटेरिया होता है कि इसकी जो विड्थ होती है वो इसकी डेप्थ के बराबर या फिर बड़ी होती है, और डीप फाउंडेशन की मैं बात करूं तो इसकी डेप्थ आपकी विड्थ से बड़ी होती है। ये एक्चुअली में SSC 2017 और 2018 के पेपर में पूछा गया था, और हो सकता है 2019 या फिर 2020 में आप लोगों से
पूछ लिया जाए. गॉट इट. चलिए सुमन रॉय स्वागत करते हैं आपका. आगे की मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, इस कंसेप्ट को, इस शब्द को समझना तो पूरी फाउंडेशन इंजीनियरिंग इस पेज में निकाल दूंगा. ठीक है, मैंने कहा कि आपको दो शब्द समझकर चलने हैं पूरी सिविल इंजीनियरिंग में. चाहे सोम ले लो, चाहे स्ट्रक्चर ले लो, चाहे सॉइल ले लो, चाहे आरसीसी ले लो, सब में काम आएगा. इसीलिए शब्द समझना. दो शब्द होते हैं, एक होता है आपका ग्रॉस और एक होता है आपका नेट. ग्रॉस का मतलब होता है टोटल और नेट का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर. नेट का मतलब होता है पर्टिकुलर, किसी एक चीज की बात करी जा रही है. मैंने कहा ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, शब्द बड़ा साफ सा है. प्रेशर इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, जितना भी लोड लग रहा है उस लोड का कितना प्रेशर पड़ रहा है मेरी मिट्टी पर, दैट इज नोन टू बी एज द प्रेशर इंटेंसिटी. मैंने कहा ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब संपूर्ण, पूरा. और पूरे में क्या आता है, तीन चीजें आती हैं आप लोगों को क्लियर करना है, सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर और सराउंडिंग सॉइल. अब एग्जाम्पल पर आ जाओ. मैंने यहां पर कहा कि आपके पास ये एक घर है और ये घर पर प्यारे दोस्तों आप लोगों का ये ग्राउंड से कुछ इस तरह का नीचे चल रहा है. मैंने कहा ये आपका क्या है, यहां पर ग्राउंड लेवल है. ये क्या है आपका, ग्राउंड लेवल है. जो ग्राउंड से ऊपर का घर होता है उसको आप कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर. जो ग्राउंड से नीचे का घर होता है, जैसे बेसमेंट आपका बनता है, तो बेसमेंट को आप कहते हैं यहां पर क्या, सब स्ट्रक्चर. चाहे उसमें आप फाउंडेशन भी ले लो, फाउंडेशन भी आपकी सब स्ट्रक्चर के अंदर आती है. और ये जो आसपास की मिट्टी है, मैंने एक्टिव अर्थ प्रेशर या पैसिव अर्थ प्रेशर थ्योरी के अंदर बताया था कि आपकी आसपास की मिट्टी भी आप पर प्रेशर लगाती है, जिसको कन्फाइनिंग प्रेशर का नाम बोलते हैं. तो मैंने कहा ये सॉइल है, तो ये तीनों चीजें जब प्रेशर लगाती है, तीनों चीजें लेकर चल रहे हो, उसको मैं कहता हूं आप लोगों का टोटल प्रेशर, बोले तो ग्रॉस प्रेशर, कोई डाउट नहीं. मैंने कहा इट इज द प्रेशर इंटेंसिटी एट द बेस ऑफ फुटिंग ड्यू टू दीज थ्री, सबस्ट्रक्चर, सुपरस्ट्रक्चर एंड ग्रॉस, सॉरी सॉइल. अभी नेट की मैं बात करता हूं, तो अब आपको समझाने के लिए एक ही चीज का सहारा लेना चाहूंगा, दो शब्द याद रखना, वन इज नोन टू बी एज द बिफोर कंस्ट्रक्शन एंड वन इज नोन टू बी एज द आफ्टर कंस्ट्रक्शन. प्रेशर, मैंने इस तरह की कंडीशन आपको पहले भी बताई, इफेक्टिव स्ट्रेस या अर्थ प्रेशर थ्योरी के अंदर शियर स्ट्रेंथ में बताई थी, वो चीज अभी दोबारा करूंगा. मैंने कहा बिफोर कंस्ट्रक्शन जो था वो आपकी पर्टिकुलर मिट्टी पर एक प्रेशर लग रहा था, उसको कहा जाता है कौन सा प्रेशर, कन्फाइनिंग प्रेशर. कोई डाउट तो नहीं आ रहा, जल्दी से बताएंगे, कोई डाउट तो नहीं आ रहा. आपने बोला कन्फाइनिंग प्रेशर, दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा होगा, और जो मैं बोल रहा हूं वो 100% सही भी नहीं है, लेकिन समझाने का तरीका है. बिफोर कंस्ट्रक्शन आपकी मिट्टी पर, पूरी मिट्टी की वजह से, एक मिट्टी का मास लिया, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, जल्दी से समझाता हूं इस चीज को, रिपीट कर रहा हूं, ये मैंने पहले समझा रखी है चीजें. मैंने कहा ये आपने एक मिट्टी का मास लिया और इस मिट्टी के मास पर आपने कोई प्रेशर लगाया, और ये क्या है आपका, एक ग्राउंड लेवल है. ये ग्राउंड लेवल पर आपने एक मिट्टी का मास लिया और ये मिट्टी के मास पर चारों तरफ से आपका कोई ना कोई प्रेशर लग रहा है. चारों तरफ से कोई ना कोई प्रेशर लग रहा है, मैं मान के चलता हूं कि इस पर चारों तरफ से कैसा प्रेशर लग रहा है, कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है. उस प्रेशर को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द कन्फाइनिंग प्रेशर. शब्दों पर गौर फरमाना, अभी घुमाकर एक चीज पर आऊंगा. मैंने कहा इस बिल्डिंग, मतलब इस मिट्टी पर मैंने अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी. जैसे ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी, जाहिर सी बात है आप लोगों का एक टोटल प्रेशर नीचे की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा, आपको भी पता है ये बात. अभी मैं कहूंगा कि अब मेरी मिट्टी पर बाद में जो प्रेशर लग रहा है, लेट इट बी सिग्मा थ्री, आफ्टर कंस्ट्रक्शन जो मेरी मिट्टी पर प्रेशर लगा वो कितना लग रहा है, यहां पर मैंने कहा सिग्मा वन लग रहा है. सिग्मा वन क्या है, टोटल प्रेशर है. किस चीज का टोटल प्रेशर, मेरे बिल्डिंग का और मेरी मिट्टी का, दोनों का है. मैंने कहा नेट कंस्ट्रक्शन प्रेशर कितना, नेट कंस्ट्रक्शन का, सिर्फ कंस्ट्रक्शन का प्रेशर कितना पड़ेगा, टोटल आपको समझ में आता है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री, यानी मिट्टी का प्रेशर उसमें से माइनस कर दिया, वो तो पहले भी लग रहा था. तो मैंने कहा सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री, और इसको आपने कभी जाना था क्या, आ गया दुर्गेश भाटी, यही मुझे चाहिए था दुर्गेश भाटी, यही मुझे चाहिए था, आ गया, बढ़िया आ गया. ये चीज जो होती है ना, प्रैक्टिकली समझ आई आप लोगों को, मुझे यही समझाना था कि आपने कभी सुना होगा डिविएटर स्ट्रेस शियर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर के अंदर, और वो डिविएटर स्ट्रेस क्या करता है, वो डिविएटर स्ट्रेस ही था
जो आपकी मिट्टी पर फेलियर कॉज करता था, आपने ये चीज पढ़ी थी, मैंने पढ़ाई थी। तो मैंने कहा कि यहां पर भी आप लोग मिट्टी के नेट प्रेशर की बात कर रहे हो और फेलियर नेट प्रेशर की वजह से हो रहा है। ये मैं लिखवाऊंगा अभी, सब्र करना। फेलियर नेट प्रेशर की वजह से हो रहा है, वो नेट प्रेशर क्या है? वो नेट प्रेशर आपका डिविएटर स्ट्रेस ही है। नेट प्रेशर आपका डिविएटर स्ट्रेस है, समझे आप लोग? ये प्रैक्टिकल है इस चीज का। सैफुल आलम, आप शायद साइट पे काम करते हैं और आपको ये चीज जाननी बहुत जरूरी है, क्लियर करना इस बात को। मैंने कहा सपोज आपकी डेप्थ ऑफ द मास जो है या डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन वो डी है, तो आपकी मिट्टी का टोटल यूनिट वेट जो है वो गामा है, तो इस पर पहले से सिग्मा थ्री की अगर मैं बात करूं तो कितना लगेगा? गामा इंटू डी, कोई डाउट तो नहीं है। और मैंने कहा बाद में लग रहा है सिग्मा वन, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ये जो सिग्मा वन है एक्चुअली में इसको मैं लिख देता हूं क्यू यू, इसको मैंने लिखा, ये है मेरा क्यू यू, कोई डाउट तो नहीं है। तो यहां पर क्या बनेगा? नेट प्रेशर कितना आ जाएगा? डिविएटर स्ट्रेस, डिविएटर स्ट्रेस था सिग्मा वन, दैट इज क्यू यू, माइनस में क्यू थ्री कितना है? गामा डी। तो घुमा करना, एक ही चीज बताई गई है और कुछ नहीं बताया गया, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। शियर स्ट्रेंथ को ही देखा जा रहा है कहीं ना कहीं दूसरे शब्दों में, गॉट इट? कोई डाउट तो नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां से, मैंने कहा क्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी क्या थी? टोटल प्रेशर। नेट प्रेशर क्या था? लिख लो, बहुत जरूरी है। डिविएटर स्ट्रेस, ये डिविएटर स्ट्रेस ही तो होता है आप लोगों का जो फेलियर कॉज करता है। और अब नोट करके एक बात और लिख लो, काम की बात है आप लोगों के, कि ऑलवेज फेलियर कॉज इन द सॉइल, ये किसी किताब में नहीं लिखा दुनिया की, ये निखिल सर लिखवा रहे हैं बस। गलत हुआ तो मैं जिम्मेदार, सही हुआ तो भी मैं जिम्मेदार, तुम नहीं, ठीक है? फेलियर इन द सॉइल इज ड्यू टू, अच्छा तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना कि घमंड वाली बातें हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सही में किसी किताब में आज तक नहीं लिखा, ये प्रैक्टिकल फिनोमिने है, तो ये चीज समझ आना चाहिए। ऑलवेज फेलियर इन द सॉइल इज ड्यू टू, किसकी वजह से आता है? नेट प्रेशर की वजह से, ठीक है? ये चीज आपको समझ कर चलनी है। और मैं अगर पेपर सेट करने वाला होता ना तो मैं नेट प्रेशर को एक और लिखता, नेट प्रेशर इज ड्यू टू द, फिर मैं ऑप्शन में देता डिविएटर स्ट्रेस। इसीलिए काम की बात है, याद रख लेना, सही में समझाने वाली बात थी, ठीक है? क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो आगे की तरफ आते हैं। अभी ना मैं दोबारा एक और चीज बताना चाहता हूं, एक महीने का नेट, एक महीने का ग्रॉस, और एक होता है अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब मैक्सिमम, है ना, बहुत ज्यादा। चलो लग गया, अभी क्या है अल्टीमेट बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है? एक बारी मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा था तो बीसी बच्चे ने लिख दिया था, समझ रहे होगे तुम भी। फिलहाल हमारे लिए बेयरिंग कैपेसिटी होती है, क्या है समझना, डेफिनेशन तो होती रहेगी, पेपर में आगे तुम बना लोगे। मैक्सिमम बेयरिंग कैपेसिटी, बेयरिंग कैपेसिटी क्या है? सहना, सहना है ना, किसको सह रहा है? लोड को सह रहा है। मैं कह सकता हूं कि वो कम से कम लोड, वो कम से कम लोड, शब्दों पर गौर फरमाना, गलत बोल गया मैं अभी, मैंने कहा कम से कम लोड जो मिट्टी सह सकती है वो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है, गलत बोल गया। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा कितना लोड आपकी मिट्टी सह सकती है फेल होने से पहले, ज्यादा से ज्यादा कितना लोड सह सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मिट्टी पे लगाया 50 न्यूटन, 100 न्यूटन और 200 न्यूटन, 200 न्यूटन पे मिट्टी फेल हो गई, तो यानी मैक्सिमम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी 200 की तरफ चली गई। तो मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा लोड कितना आपका सह सकती है वो है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। डेफिनेशन गलत नहीं लिखी, सही लिखी है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को उल्टा ले जाओ, लोड तुम लगा रहे हो मिट्टी सह रही है, लोड तुम लगा रहे हो मिट्टी सह रही है, लोड तुम लगा रहे हो मैक्सिमम लगा रहे हो, मिट्टी को मिनिमम में देखोगे, कम से कम कितनी ताकत मिट्टी शो कर सकती है, कम से कम कितनी प्रेशर इंटेंसिटी शो करती है फेल होने की कंडीशन पर, कहोगे दैट इज नोन टू बी एज अल्टीमेट। मैक्सिमम तो लोड हो जाता है, मेरे शब्दों पर गौर फरमाना, मैक्सिमम तो लोड होता है और लोड का उल्टा होता है बियरिंग कैपेसिटी, यानी मिनिमम क्या बनती है? बियरिंग कैपेसिटी। एसएससी जेई 2016 क्वेश्चन आ गया था, गलत हो गया था, इसीलिए ध्यान रखना, ठीक है? तो मैं कहूंगा इट इज द मिनिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी एट विच द सॉइल फेल्स इन शियर। अभी मैंने बताया शियर में फेल होती है, तो अभी नेट की मैं बात करूं तो सेम है, नेट की मैं बात करूं तो सेम है। इसमें से क्या करूंगा मैं, इसमें से अपना गामा डी माइनस कर दूंगा, एक ही बात है। यानी अगर मैं निकालना चाहता हूं क्यू नेट तो मैं लिखूंगा अल्टीमेट में से गामा इंटू डी माइनस कर दू, वेयर डी इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, लिख लो डी इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन,
और उसके बाद बात आती है गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। कोई डाउट तो नहीं आ रही, डेफिनेशन समझ में आ रही है, डाउट तो नहीं है, जल्दी थम्स अप करके बताया करो साथ के साथ, थम्स अप करके बता दिया करो प्लीज। हाँ चलो आ गया, अब डेफिनेशन पढ़ लो जल्दी से। इट इज द मिनिमम नेट प्रेशर इंटेंसिटी एट विच द सॉइल इज फेलियर, वहां पे मैक्सिमम ग्रोथ था या नेट है और कुछ नहीं। मिनिमम इंक्रीज इन द प्रेशर आफ्टर कंस्ट्रक्शन, प्रेशर इंक्रीज होता है सॉइल जिसपे फेल होती है, ये डेफिनेशन बन गई, फॉर्मूला बन गया, काम कर, क्लियर है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो एक और टर्म आती है, दैट इज नोन टू बी एज द सेल्फ बियरिंग कैपेसिटी। अभी सेल्फ बियरिंग कैपेसिटी क्या है इसको समझ लो। मैंने ये कहा भाई तुम्हारी मिट्टी है, तुम्हारी मिट्टी पर इतना लोड लग रहा है और वो सह रही है, लेकिन एक पॉइंट बढ़ा है, 100 न्यूटन का लोड लगा, तुम्हारी मिट्टी बिंदास एकदम बढ़िया कंडीशन में तुमको सह रही है, लेकिन 101 का लोड लगाया ये धस गई, मिट्टी धस गई, 101 का लोड लगाया मिट्टी धस गई। अभी क्या मतलब आया, नेट प्रेशर नहीं समझ आया दिवाकर, अभी दोबारा समझाता हूं, वेट करना, शायद आप लेट आयो दिवाकर, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा है नहीं जिसको समझ ना आया वो चीज, मैंने पहले पढ़ा रखी थी इसीलिए, वही समझा रहा हूं, थोड़ा सा सबर तो कर लो। अतानुपाल इस चीज को क्लियर करना, मैंने कहा 101 में आपकी मिट्टी धस गई बिल्कुल, और 100.5 यानी 100.5 पर मिट्टी धसने की कंडीशन पर आ रही है, यानी एक तो है कि फेल होने पर आ रही है और एक है फेल हो गई, तो जो फेल हो जाती है ना वो है अल्टीमेट, और जब फेल होने के वर्ज पर आती है, फेल होने से ठीक पहले क्रैक शो कर रही है वो है सेफ। तो यानी मैक्सिमम ग्रोस प्रेशर इंटेंसिटी जिस पर फेल होने के लायक बन जाती है या फेल होने से ठीक पहले शो करती है उसको कहा जाता है सेफ। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड पॉइंट को रट लो, बहुत जरूरी बनता है आप लोगों के लिए। ऑल द फाउंडेशन आर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ एसबीसी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, चलो समझ आ रहा है ना भाई, क्लियर है। चलो सेफ बियरिंग कैपेसिटी कितनी होती है लिख लो ये बात, 100 से जनरली कितनी होती है, 100 से 240 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके एसएससी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर पेपर में नहीं दी होती तो 150 के आसपास लेकर चला करो, डाटा क्लियर रहता है, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अल्टीमेट में क्रैक आ सकता है, समझा नहीं विश्वनाथ खान, पढ़ते हैं, समझा नहीं मैं आपका कमेंट अभी, चलो ये चीज क्लियर है। अल्टीमेट में हाँ अल्टीमेट में क्रैक आ सकता है क्या सोइल में, बिल्कुल विश्वनाथ आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो अल्टीमेट की कैटेगरी में नहीं रखते, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैंने कहा क्रैक आया तो वो आप सेफ कंडीशन पर रख रहे हो, लेकिन जब क्रैक बिल्कुल खत्म हो जाता है और टूट जाता है, क्रैक आया 101 पर लेकिन वो टूटना 105 पर जा रहा है, टूट 105 पर रहे, तो आप क्या कहोगे कि अल्टीमेट तो 105 ही बनेगा और सेफ 101 बन रहा है, ऐसा होता है, अल्टीमेट मतलब फेलियर ही है। हाँ क्या बोल रहा है, अल्टीमेट एंड सेफ के बीच की स्टेज में सॉइल पूरी फेल थोड़ी होगी, नहीं किसने कहा, पूरी फेल तो अल्टीमेट पर ही होगी, उसके बीच में आपको वार्निंग मिल जाती है जिसको लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग आरसीसी में पढ़ते हैं, वो बात की, ठीक है। और कुछ पूछो जल्दी से, अच्छा लगता है मेरे को इस तरह के डाउट आप पूछते हो, क्योंकि ये क्लियर तो सब क्लियर। मैक्सिमम क्यों, क्योंकि अल्टीमेट का मतलब ही मैक्सिमम, संतोष अल्टीमेट का मतलब ही मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम लोड पर ही फेल होगा हमेशा, भाई कॉमन सेंस है ना यार, क्लियर है। चलो अभी मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं जो भी आपकी एसएससी जेईई के लिए खास है और डायरेक्ट पेपर में आने वाली है, क्या ये मंत्र है बहुत तगड़े वाला, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, और जो मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा वो कहीं नहीं मिलेगा, वो यहां समझ लेना, आप लोग बड़ी डिटेल में क्लियर करवाने वाला हूं चीज आपको। चलो अभी मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ शियर फेलियर, तीन तरह के शियर फेलियर आते हैं सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स में तीन तरह के शियर फेलियर है, तो शियर नहीं है ये शियर है, जनरल शियर, लोकल शियर और पंचिंग शियर फेलियर। अब जनरल शियर फेलियर क्या होता है, मैंने कहा जनरल मतलब बिल्कुल आम तौर पर नॉर्मली जो चलता रहता है, क्या होता है नॉर्मली में, आपने मिट्टी पर पैर रखा, जहां से मिट्टी दबती है हमेशा ध्यान देना उसके पड़ोस से मिट्टी उठती है, ये होता है भाई, पक्का होता है,
पक्का होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जहां से दबा रहे हो वो नीचे का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो साथ में मिट्टी को साइड से उठाएगा ना, और जब उठा रहा है ना तो ये नॉर्मल कंडीशन है, जनरली चलता है, उसमें कहते हैं हम कि मेरा जनरल शियर फेलियर आ रहा है। लेकिन एक होता है लोकल शियर फेलियर। अब आ जाओ प्रैक्टिकल समझाऊंगा, जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा तुमने। अब करा क्या मैंने, सपोज मैंने कहा ये मेरी मिट्टी है, बात को समझने का प्रयास करना यहां से, ये मेरी मिट्टी है और इस मिट्टी में मैंने कहा यहां पर आप लोग, इसमें जनरली ये ग्राउंड लेवल है और इसमें आप लोग एक लोड लगा रहे हो ऐसे, ये एक लोड लगाया। अब भाषा को समझने की कोशिश करना, आप क्या कहते हो, आपने कहा कि जब आप लोड लगाते हो ना तो लोड लगाने के बाद ये मिट्टी कुछ इस तरीके से दबती है और इस तरीके से उठती है, इसको तुमने क्या कहा, इसको तुमने कहा जनरल शियर। बराबर बात है, कोई डाउट तो नहीं है, लेकिन अभी ना समझने की कोशिश करना। जनरल मतलब होता है आमतौर पर, आमतौर का मतलब सैफुल आलम दिक्कत क्या हुई, सैफुल आलम क्या दिक्कत हुई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फ्लो टूट गया तुम्हारे उसमें। अब्दुल वाद स्वागत है आपका। सैफुल आलम दिक्कत क्या हुई, जल्दी लिखेंगे तो नो मत लिखो यार, पढ़ाते पढ़ाते हो गया डिस्टर्ब। मैंने कहा तुमने लोड लगाया, लोड लगाने के बाद जनरल शियर फेलियर, हाँ कभी कभी होगा, हमेशा नहीं, कभी कभी हो रहा है, आमतौर पर चल रहा है, जो आमतौर पर चलता है वो भी कभी कभी होता है। तो आमतौर कर मतलब दुनिया भर की जनता के लिए वो चीज कॉमन है, है ना। लेकिन एक आता है लोकल, लोकल का मतलब तुम्हारे एरिया में, और तुम्हारे एरिया में वो चीज है कि नहीं तुम्हें नहीं पता। सुनना अब मेरी बात को, अगर आप मिट्टी को दबा रहे हो ना तो मिट्टी एक्चुअली में हीविंग हो रही है, कहीं से हो रही है, लेकिन अगर आप हल्की फुल्की सराउंडिंग में देखते हो, मैंने कहा ये आपका लोकल रीजन है, रीजन ए से बी तक क्या है, ये है आपका लोकल रीजन, और लोकल रीजन के अंदर ये जो मिट्टी का उठाव हो रहा है ये देखो, ये बहुत थोड़ा है, ये बहुत नॉर्मल है, और इसी को प्यारे दोस्तों बोला जाता है लोकल शियर फेलियर। समझे कि नहीं समझे, यानी लोकल शियर फेलियर के अंदर हीविंग नहीं हो रही, मिट्टी नहीं उठ रही, लेकिन जनरल में अच्छी खासी उठ रही है, क्यों, एरिया ज्यादा कवर अप कर रहे हो। समझा, पक्का समझा, जल्दी बताओ, पक्का समझा। हाँ सॉइल पे डिपेंड करेगा, जाहिर सी बात है जनरल शेयर फेलियर में सेंड होता है, क्योंकि दुर्गेश भाटी आगे मत भागो यार, जो मैंने बताया वो तुम्हें भी नहीं पता था, ये ट्रिक अच्छी है, इससे आपको जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, क्लियर होगी चीजें। अब सुनना मेरी बात, मैंने कहा जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर, और पंचिंग क्या होता है, ये कॉलम है काला काला, और ये मेरी स्लैब है, ये मेरी स्लैब, ये कॉलम, कॉलम किसी तरह से स्लैब के अंदर धस गया तो ये पंच कर गया ना, पंचिंग मशीन में देखा होगा पंच कर देता है, तो पंच कर गया तो पंचिंग शेयर फेलियर, ठीक है। अब ये चीज क्लियर करना, आप लोग सबर करेंगे, एसबीसी का फॉर्मूला में यहां पर बता ही नहीं रहा रोहित यादव, थोड़ा सा सबर करेंगे क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, दो मिनट रुक जाओ। जनरल शियर फेलियर कहां पर होता है, जहां पर आपका 36 डिग्री से एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा होता है, यानी सैंड के केस में चलता, जहां 29 से कम या उसके बराबर होता है वहां पर आपका जनरली लोकल शियर फेलियर होता है। और प्यारे दोस्तों इसके अंदर आपकी मैक्सिमम बल्जिंग होती है, मैंने बताया, इसके अंदर मिनिमम बल्जिंग होती है, मैंने बताया, इसके अंदर बल्जिंग ज्यादा होती है, और बल्जिंग ज्यादा होने के केस में आपको पता है बल्जिंग हो रही है, मिट्टी उठ रही है, और जब मिट्टी उठेगी तो जो स्ट्रक्चर होगा वो टेढ़ा हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है, तो यानी इसमें मैक्सिमम टिल्टिंग हो जाएगी, इसमें कुछ टिल्टिंग, ठीक है, ये एग्जिट नहीं है, ये एग्जिस्ट है, क्लियर है, इंग्लिश पे तो कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी। एक आता है पंचिंग, पंचिंग मतलब धस गया, धस गया मतलब कोई बल्जिंग नहीं होगी, धसने का मतलब आसपास की सॉइल का कोई सपोर्ट नहीं आता, इसमें क्यों नहीं आता समझाऊंगा अभी, और इसमें कोई टिल्टिंग भी नहीं होगी, सडन फेलियर होता है, और हमेशा फाउंडेशन आर डिजाइंड फॉर पंचिंग शियर, ये नोट करके मैं लिखवा देता हूं, लिख लो, फाउंडेशंस आर डिजाइंड फॉर पंचिंग शियर। अब मेरी बात को समझना रोहित यादव, मैंने कहा था यहां पर कि सॉइल मैकेनिक्स के अंदर एसबीसी का फॉर्मूला आप नहीं देखते, क्यों, क्योंकि आप सॉइल मैकेनिक्स के अंदर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को लेकर चलते हो, इसीलिए मैं आप लोगों को अल्टीमेट का फॉर्मूला बताने वाला हूं। एसबीसी कहां पर देखोगे, आरसीसी में, आरसीसी जब पढ़ाऊंगा बता दूं इसीलिए, ठीक है। अभी पंचिंग शियर फेलियर किस सॉइल में ज्यादा होता है, आरसीसी स्ट्रक्चर्स में ज्यादा होता है, पंचिंग शियर फेलियर आरसीसी स्ट्रक्चर्स में ज्यादा होता है, सॉइल में कम देखा जाता है, क्यों, क्वेश्चन आ गया।
मैंने कहा, मैंने यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया एक, मैंने कहा वाय पंचिंग शियर फेलियर, मैंने कहा वाय पंचिंग शियर फेलियर नॉट अकर इन सॉइल, नॉट अकर इन सॉइल जनरली। मैं ये चीज आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसलिए हम इसको देखते नहीं है, जनरली हम जनरल और लोकल को देखते हैं। लेकिन आंसर क्या बनेगा इसका, बिकॉज सॉइल इज सुपोर्टेड फॉर्म ऑल अराउंड, हर जगह से सॉइल सुपोर्टेड है भाई, अब समझ के देखेंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। सॉइल इज सुपोर्टेड फॉर्म ऑल अराउंड, मैंने कहा ये आपके पास एक सॉइल का मास है, और ये सॉइल का मास जो है ये कुछ इस तरीके का है, आपको पता है ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, चारों तरफ से मिट्टी भरी हुई है इस पर, और जब चारों तरफ से भरी है तो कहां से धसेगा, नहीं धस सकता, धसेगा कहां पर, जहां अनसुपोर्टेड होता है, इसलिए हम यहां पर पंचिंग शियर इग्नोर, ठीक है चलो। हाँ पंचिंग शियर जनरली हम आरसीसी में ही देखते हैं, ठीक है। अभी देव देव बहुत दिन बाद आए हो भाई आप, के लिए डिजाइन करते हैं सर, हाँ मैंने बताया तो अभी आप लोगों को, ठीक है चलो क्लियर है ना, एक बारी थम्स अप जल्दी से थम्स अप, आगे की चीज बता रहा हूँ थम्स अप करेंगे, फिर तर्जागी पर आ रहा हूं मैं, अभी तर्जागी एनालिसिस बड़ी इंपॉर्टेंट जाएगी आप लोगों के लिए। सैंड में सुपोर्टेड नहीं होता, किसने कहा आपको सैंड में सुपोर्टेड नहीं होता, मैं क्या तो रेगिस्तान में गड्ढा खोदो क्या आसपास मिट्टी नहीं है, रेगिस्तान में गड्ढा खोदो आसपास मिट्टी है तो सुपोर्टेड तो है, फुटिंग के केस में भी पंचिंग होती है ना, हाँ होती है, आपने फुटिंग के केस में पंचिंग पड़ी होगी कभी, नहीं पड़ी तो मैं आरसीसी में पिक्चर के साथ पढ़ाऊंगा, फुटिंग में पंचिंग होती है, फुटिंग आरसीसी है और बीच में पंच होता है उसमें, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे चलते हैं। बात आती है मेरे प्यारे बंधुओं यहां पर तर्जागी एनालिसिस, देख रहे हो पहले लगा लो एसएससी जेई इंपॉर्टेंट, और मैं ट्रिक बताऊंगा जो आपको दुनिया में किसी किताब में नहीं दिखी, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म बाय निखिल, सर्वर तो कभी नहीं लगाता मैं क्योंकि मैं खुद सर नहीं हूं, ट्रिक बताऊंगा और सारी ये पांच की पांच याद हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन एक एक चीज, ट्रिक बताने के बाद ना थम्स अप मुझे साथ के साथ चाहिएगा बस, ठीक है, अरे सारी इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं याद हो गई तुम्हें, कैसे हुई बताऊंगा, ट्रिक लगाने के बाद थम्स अप चाहिएगा सभी स्टूडेंट का, अब सुन लेना, पहली बात तो लिख लो एसएससी जेई खास है 2016 2017 2014 2012 था शायद से, ये सब में आई हुई है, ये पूछता है डायरेक्ट। अब ट्रिक क्या है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, SSGHR ये तो याद हो गया, SSGHR याद हो गया, टर्जागी एनालिसिस टर्जागी हाथ पर मार गया, टर्जागी हाथ पर मारने के बाद हर चीज में अजम्पशन दे गया, तो हर चीज की अजम्पशन वैसे तो कॉमन है, आइसोट्रॉपिक रहता है और ये बाकी की अलग है, एक एक सेम रहती है, मैंने सारी लिखी, क्या लिखी वो समझ लेना। सबसे पहले आता है प्यारे दोस्तों शैलो फाउंडेशन, SSGHR शैलो फाउंडेशन, उसके बाद आता है आपका एस फॉर स्ट्रिप फुटिंग, उसके बाद प्यारे दोस्तों आपका आता है जनरल शियर फेलियर, उसके बाद आपका आता है हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसके बाद आपका आता है रफ बेस। अब जल्दी से बता दो SSGHR हो गया, आया कि नहीं आया, बढ़िया हो गया ना, सुनो ससुर जी हम अवार से कुछ बना लेना यार, जो भी था अभी अभी दिमाग में आया है, सुनो ससुर जी हम आर से कुछ भी बना लो, वो बना लिया हो गई यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो आगे की मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, सुनो ससुर जी हम राह में हैं, ऐसा कुछ कर लो अपनी तरफ से कर लोगे तुम इतना तो। नेक्स्ट आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सुन लेना इसको, मैंने आप लोगों को ना करा क्या, तर्जागी ने एक्चुअली में क्या करा, तर्जागी ने कहा कि ना जब भी मिट्टी पर फाउंडेशन बनता है, आपने कोई एक लोड लगाया, ये आपका एक लोड लग रहा है, और ये लोड पर लगने के बाद आपका जो प्रेशर होता है, अरे आदि बाबू ये उम्मीद थी भाई, सुनो ससुर जी हम राजी, बेहतरीन बेहतरीन भाई बेहतरीन, जिंदगी में कभी भी पढ़ाऊंगा ना ये ट्रिक बोलूंगा तो आपका नाम जरूर लूंगा, आदि बाबू बहुत बढ़िया, सुनो ससुर जी हम राजी, राजेश जायसवाल आदि बाबू ने पहले बोला तो वो याद हो गया, चलो बढ़िया लगे मुझे, अच्छा लगा। ये चीज क्लियर करते हैं, मैंने बोला यहां पर कि आपकी ये फाउंडेशन है
और सॉइल में आपने लोड लगाया, तो लोड लगाने के बाद लोड सॉइल में जाएगा ना, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, और वो प्रेशर ये तरजागी ने बहुत बढ़िया खेल खेला, समझ लेना। तरजागी ने कहा कि एक्चुअली में प्यारे दोस्तों, कोई बात नहीं राजेश जायसवाल, कोई बात नहीं यार, कौन सा तुम्हें पेटेंट मिल रहा है, अगले ट्रिक बताऊंगा उसमें तुम बना लेना। नेट की बड़ी इशू रहती है, अरे नेट आया कि नहीं आया जल्दी बताओ यार। और मैंने कुछ बोला नहीं है अभी, मैंने कुछ बोला नहीं है अभी, यही चल रहा है, बोला ही नहीं मैंने, रुक गया था मैं। चलो अभी मैंने कहा जब लोड आपने लगाया तो वो लोड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है आपकी मिट्टी के अंदर, वो हमें तरजागी ने बताया। तरजागी ने कहा कि एक्चुअली आपकी मिट्टी के अंदर तीन जोन बनते हैं, पहला जोन, दूसरा जोन और तीसरा जोन, ठीक है। अभी जो आपका पहला जोन आता है, इस पहले जोन के अंदर आपका जो स्ट्रेस जाता है ये बिल्कुल और बिल्कुल सीधा जाता है, यहां पर डायरेक्टली आपका स्ट्रेस जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि आपका ये जो लोड होता है, आपका ये जो लोड होता है ये अब इस तरीके से फैलने की कोशिश करता है, मेरे मार्कर को देखते रहना तो समझ आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो लोड होता है ये फिर इस तरीके से देखने की कोशिश करते हो आप इसको, ये ऊपर से फैलता है और जब ही तो आपको इस जोन के अंदर हीविंग दिखाई देती है, समझे कुछ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आपने लोड लगाया, लोड लगाने के बाद ये लोड ऐसा आया और ऐसा गया, लोड लगाने के बाद ऐसा आया और ऐसा गया, ऐसा आया और ऐसा गया, सीधा आ रहा है, फिर ये सर्कुलर यानी रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, सीधा आ रहा है, फिर रेडियल डायरेक्शन में फैल रहा है, फिर सीधा जा रहा है, हो गया क्लियर। अब आओ सुनो, अरे अब क्या नहीं आया भाई शशांक, क्या नहीं आया, मैंने बताया तो तीन जोन बताए, तीन जोन में से पहला जोन, दूसरा जोन और तीसरा जोन आया। पहले जोन में तो आपका सीधा आ रहा है, दूसरे जोन में स्ट्रेस फैल रहा है, तीसरे जोन में बिल्कुल ऊपर जा रहा है, यानी मैक्सिमम हीविंग कहां होगी, तीसरे जोन में, सीधा स्ट्रेस जा पड़ेगा वहां, सेटलमेंट ज्यादा होगी, यानी मैक्सिमम सेटलमेंट कहां होगी, पहले जोन में, समझ रहे हो। लिख लो सारी चीजें, लिख लो, मैंने कहा तीन जोन बने आप लोगों के, जोन वन, जोन टू और जोन थ्री, ये तीन जोन आप लोगों के बन रही है। जोन वन में क्या हो रहा है, आपका मैक्सिमम सेटलमेंट होती है इस जोन के अंदर, मैक्सिमम सेटलमेंट टेक्स प्लेस। आज लिखावट सही है मेरी ख्याल में, आज आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी बात आती है प्यारे दोस्तों, इस जोन के अंदर आप लोगों को करना क्या है, जब मैक्सिमम सेटलमेंट है तो कहोगे मैक्सिमम स्ट्रेस रहता है और जोन वन के अंदर ही पंचिंग शियर होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस टेक्स प्लेस, और तीसरा पॉइंट आप लिखना चाहो तो यहां पर पंचिंग शियर होता है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मेरी बात आती है यहां से जोन टू की, अगर मैं बात करूं तो जोन टू में आपका क्या क्या बनता है उसको भी क्लियर करेंगे यहां से। चल ऐसे लाइन डाल लेते हैं ना, अभी जोन टू की मैं बात करूं तो देखिए इस चीज को क्लियर करना कि सॉइल इन दिस जोन, सॉइल इन दिस जोन सपोर्टेड बाय, सपोर्टेड द सॉइल इन जोन वन, जो सॉइल इन जोन वन की सॉइल है, जोन वन की जो सॉइल है वो जोन टू से सपोर्ट हो रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है इसमें वो कैसा रहता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखना, रेडियल रहता है। मैंने बताया कैसे बताया, आया जा रहा है ना, इसको कहते हैं रेडियल, सर्कुलर, रेडियल के डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए रेडियल रहता है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या बनती है यहां से, क्या होता है इसके अंदर, लोकल शियर फेलियर, इसके अंदर आप लोगों का लोकल शियर फेलियर होता है, ठीक है। इसके बाद मैं कहूंगा तीसरे जोन की, तो तीसरे जोन की ये लोकल और ये सब ना किसी किताब में नहीं लिखा, चाहे आप कोई भी किताब उठा लेना, मैं किताब को फॉलो नहीं करवाता कभी भी, क्यों नहीं कराता लास्ट में बताऊंगा। आगे आता है जोन थ्री, हाँ जोन थ्री ग्राउंड से ऊपर होगा ये नहीं कहूंगा, ग्राउंड पर हीविंग शो करता है। सबसे पहले तो कहूंगा प्यारे दोस्तों यहां पर कि इस जोन की जो मिट्टी होती है वो जोन टू के जोन को सपोर्ट करती है, दिस सपोर्ट्स, ऐसा लिख लेता हूं, दिस सपोर्ट्स जोन टू सॉइल,
जोन टू की मिट्टी को सपोर्ट करती है, दूसरी बात यहाँ पर जनरल शेयर फेल होता है। है वो कैसी चल रही है यहां पर 45 माइनस में 5 बाय 2, वेयर 5 क्या है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है याद रखिए। हो जाएगा अभी ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ वो हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। मैं दोबारा समझाता हूँ, रुको टेंशन नहीं है, दोबारा समझा दूंगा। जिसका बफरिंग हुआ था वो रिफ्रेश कर लो दोबारा से, हो जाएगा ठीक हो जाएगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोहित चौहान मेरी स्पेशल क्लास शो नहीं हो रही। सर्च करोगे ना निखिल गोयल तो उसमें फिर स्पेशल क्लास की कैटेगरी आ जाती है, तो वहां पे शो होगी। कोई बच्चा प्लीज मोहित चौहान की हेल्प कर दीजिएगा स्पेशल क्लास में। ठीक है मैं दोबारा से सारा ही बताऊंगा दिवाकर, रिफ्रेश कर लो आप लोग जल्दी से। जोन थ्री में क्या था, आपकी जोन थ्री की जो मिट्टी है वो जोन टू की मिट्टी को सपोर्ट करती है, इसमें जनरल शेयर फेलियर होता है, और इसके अंदर जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है 45 माइनस 5/2 एंगल पर होता है। अभी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो 5। आज अतानुपाल आपकी स्पेशल क्लास नहीं रखूंगा, कल रखूंगा। आज असल में क्या होता है लगानी पड़ती है, तो मैं भूल गया था लगाना कल, तो आज तो नहीं कल रखता हूं मैं स्पेशल क्लास, और बढ़िया रखूंगा। स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है, वो टॉपिक कराऊंगा। ठीक है कल बताता हूं। जोन थ्री में मैक्सिमम सेटलमेंट एंड अपलिविंग होगा, नहीं जोन थ्री के अंदर अपहीविंग मैक्सिमम होगा, सेटलमेंट मैक्सिमम पंचिंग शियर में होती है, और पंचिंग शियर आपका जोन वन में है। लिखवा दूं ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं रहेगी आपको, ठीक है लिख लो ये बात। सेटलमेंट सबसे ज्यादा कहां होती है, सेटलमेंट सबसे ज्यादा आती है आपकी जोन वन में, फिर जोन टू में, नहीं थ्री में, फिर जोन टू में, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों की यहां पर जाती है हीविंग, हीविंग आप लोगों की बिल्कुल उल्टी चलती है, जोन थ्री में फिर जोन टू में फिर जोन वन में। ये चीज आप लोग याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्या पता आप लोगों से पूछ ले, ठीक है। चलो ये एक बच्चे ने लिंक दिया है, हाँ वही है। अरे अतानुपाल मेरे मन में यही था भाई, मैं इसी की क्लास लेने वाला था और आपने मेरे मन की बात छीन ली। मैं इसी की क्लास लेने वाला हूँ, इनडिटर्मिनेसी डिटर्मिनेसी की पूरी क्लास लूंगा, एक स्पेशल क्लास, वही समझाऊंगा मैं वहां पर, ठीक है। और ये ना किसी किताब में नहीं लिखा, मेरे नोट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो किताबों में नहीं लिखे, मैं बैठ के लिखता रहता हूँ, पोयम नोट्स बहुत सारी चीजें लिखता रहता हूँ मैं, तो ये भी प्लीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैं पहले आपको ये पढ़ा देता हूँ फिर उसके बाद उस पर आऊंगा। देखो होता क्या है प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को ना शैलो फाउंडेशन के केस में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सी एन सी प्लस में क्यू एन क्यू प्लस में हाफ गामा बी एन गामा। ये एक फॉर्मूला है आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए, जनरल फॉर्मूला है, वेयर सी क्या है, सी बोला जाता है कोहेशन, क्यू बोला जाता है अल्टीमेट लोड कह सकते हो, या सिंपल सा मैं कहना चाहूं इफेक्टिव स्ट्रेस इन द सॉइल। और यहां पर बचा क्या, बी क्या है, बी कहलाता है विड्थ ऑफ फाउंडेशन। उसके बाद बात आती है गामा, गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल है। उसके बाद मेरा यहां पर आता है एन क्यू, एन गामा और एन सी, ये क्या आते हैं, इनको बोला जाता है कैपेसिटी फैक्टर्स। अब इनको मैं समझा देता हूं थोड़ा सा कि ये जो एन गामा एन सी और ये सब है ये क्या है, तो मैं इनको समझा देता हूं। देखो एन गामा क्या बनता है और एन क्यू क्या बनता है और एन सी क्या बनता है, अगर आप इनको क्लियर करना चाहो तो एन गामा जो है ये एक्चुअली में वो कैपेसिटी फैक्टर है जो किस पर डिपेंड करता है, यूनिट वेट पर। तो ये किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन यूनिट वेट ऑफ सॉइल, या मैं दूसरी भाषा में कहना चाहूं तो इफेक्टिव स्ट्रेस पर डिपेंड करता है मिट्टी के, इफेक्टिव स्ट्रेस पर डिपेंड करता है। ये जो है ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपका टोटल स्ट्रेस पर डिपेंड करता है,
कि आपके मिट्टी में कितना स्ट्रेस डिपेंड आ रहा है, और ये जो है ये कोहेजन पर डिपेंड करता है। एक नोट करके यहां पर चीज लिख लो, इंपॉर्टेंट है कि ऑल एक्चुअली आर डिपेंडेंट ऑन फाई ऑफ सॉइल। हर मिट्टी के फाई पर डिपेंड करते हैं ये तीनों फैक्टर्स, ये आपसे जेई में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे की अगर मैं बात करना चाहूं प्यारे दोस्तों, तो और चीजें कुछ इंपॉर्टेंट बनती है, वो लिख लो कि अगर आप प्योर क्ले की बात करते हो, अगर आप प्योर क्ले की बात करते हो तो प्योर क्ले के केस में आपका फाई कितना होता है, जीरो। तो उस केस में आपका एनसी का वैल्यू 5.7 रहता है, एनक्यू का वैल्यू आपका 1 रहता है और एनगामा का वैल्यू 0 रहता है। ये आपके एसएससी जेई में 2 बारी पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद की अगर मैं बात करना चाहूं तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला जो बनता है, मैंने फॉर्मूला आपको क्या लिखवाया, सी एन सी यानी 5.7 सी प्लस क्यू एन क्यू यानी ये प्लस एनगामा 0 है तो लास्ट में 0 आ जाएगा, यानी फॉर्मूला बनता है क्यू यू इज इक्वल टू 5.7 सी प्लस में क्यू। बाकी चीजें आपको समझ में आ चुकी है कि कौन क्या है, इंपॉर्टेंट, प्लीज लर्न दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एग्जाम, हर जेई के लिए खास एग्जाम है, ठीक है, मतलब खास इंपॉर्टेंट चीज है। आगे की अगर मैं बात करना चाहूं प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों को मैं कुछ बता देता हूं इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है, कि स्ट्रिप फुटिंग के लिए तो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया वो स्ट्रिप फुटिंग के लिए था, लेकिन अगर स्क्वायर फुटिंग की बात करता हूं तो ये फॉर्मूला बनता है 1.3 सीएनसी गामा डी इंटू एनक्यू, गामा डी इज द डेप्थ ऑफ द फुटिंग और 0.4 गामा बी एन गामा, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगुलर फुटिंग की मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला बनता है क्यू यू इज इक्वल टू में 1 प्लस में 0.3 बी बाय एल सी एन सी प्लस में गामा डी एन क्यू प्लस हाफ 1 माइनस 0.2 बी बाय एल गामा बी एन गामा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, याद करना भाई, सारे एसएससी जेई के क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट एसएससी जेई के क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे हैं, मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, टाइप्स ऑफ फुटिंग कल बताऊंगा। ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को, इसके लिए ये फॉर्मूला बनता है। आई विल सजेस्ट यू प्लीज लर्न बाय हार्ट, इनको आप याद रखना क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, इसमें कुछ बताने का ऐसा है नहीं, तो मैं आपको इसमें बताऊं क्या, ठीक है। लर्न है तो अच्छी बात है दुर्गेश भाटी, जिसको नहीं है वो प्लीज याद रखना, गॉट इट। चलो आगे की मैं बात करना चाहूं यहां से, तो ये बताऊं क्या, कोई इतना खास नहीं है, देख लेना इसको, गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। मेन चीज आती है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द बियरिंग कैपेसिटी, ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट बनता था, फैक्टर्स अफेक्टिंग बीसी ऑफ सॉइल, आपकी बियरिंग कैपेसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास कोहेजन, दूसरा आपके पास आता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, तीसरा आपके पास आता है विड्थ ऑफ द फुटिंग, चौथा आपके पास आता है गामा यूनिट वेट ऑफ सॉइल, पांचवा आपके पास आता है डेप्थ ऑफ द फुटिंग और छठा आपके पास आता है वाटर हाइट यानी इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, ऐसा कह लो, या वाटर टेबल डेप्थ, ये आप लोगों का इफेक्ट बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है आप लोगों का, सबसे इंपॉर्टेंट बनता है ये, भाई धीरेंद्र कुमार पाल को बताना जरा सा कि पीडीएफ कैसे मिलती है, ऐसे बच्चों की मदद कर दिया करो क्योंकि हर बच्चे को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और पीडीएफ मिल जाती है तो नोट्स बनाने में इजी रहता है बच्चों के लिए। लेकिन एडवाइस करना चाहूंगा, नोट्स बनाते रहना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नोट्स बना ही नहीं रहे तो दिक्कत रहेगी फिर आपको बाद में, ठीक है। अपनी लिखावट की चीज तो अपने पास ही रहती है, ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर करना है। चलो, हाँ, तो ये चीज क्लियर है। अब ना ये लास्ट वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर तो कई चीज आप लोगों से पूछ भी ली जाती हैं, तो मैं वो समझा देता हूँ। देखिए है क्या, सपोज मैंने कहा आपके पास एक फाउंडेशन है और ये फाउंडेशन कुछ इस तरीके की है आप लोगों की, ठीक है, और ये फाउंडेशन जो है इस चीज को क्लियर करते हुए चलना कि इस फाउंडेशन की जो डेप्थ है बिल्कुल ऊपर से नीचे तक जो इसकी डेप्थ है वो कितनी है, वो है डी, और इसकी विड्थ कितनी है, वो है इसकी बी, और नीचे से बी डेप्थ तक।
अब इसको लिखते हैं, मैंने कहा ये आप लोगों की फाउंडेशन का ग्राउंड लेवल है, यहां से ऊपर से ही नीचे तक ये है आपका ग्राउंड लेवल, और ये है डेप्थ ऑफ द फुटिंग, लेट इट बी डी एफ, और विड्थ ऑफ द फुटिंग है बी। तो नीचे से बी डेप्थ तक ही आप लोगों को देखना है। पहले तो नोट करके एक चीज लिखवा दूंगा, अभी ये फुटिंग का क्राइटेरिया समझ आया। अभी बात आती है यहां पर, नोट करके लिख लो कि इफेक्ट ऑफ द वॉटर टेबल इज कंसिडर ओनली, इफेक्ट ऑफ वॉटर टेबल, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे, इज कंसिडर ओनली एट बी डेप्थ, या फिर एट बी डेप्थ, या फिर ऐसे लिख लो, एक मिनट, एट डेप्थ इक्वल टू विड्थ ऑफ द फुटिंग। यानी आपको पता है, मेरे इस क्राइटेरिया को समझना तो चीजें क्लियर होंगी। आपको पता है कि पानी आने से मिट्टी का इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाता है ना, मिट्टी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो वो पानी जो है वो कितनी डेप्थ तक कंसीडर करा जाता है, वो सिर्फ विड्थ ऑफ द फुटिंग जितनी है उतनी ही डेप्थ तक लिया जाता है। उसके बाद अगर पानी का टेबल है तो कोई फर्क नहीं डालेगा आपकी फुटिंग पर, समझ रहे हो? तो ये चीज आपको क्लियर करके चलनी है, गॉट इट? चलो अभी मेरी बात आती है यहां पर कि इसको क्लियर करना। यहां पर सपोज मैं कहता हूं इसमें तीन केस बनते हैं आपके। केस वन कहता है आपको कि वॉटर टेबल जो है, वॉटर टेबल की जो आपकी डेप्थ है वो डी प्लस में बी से बड़ी है, डी प्लस में बी से बड़ा है। केस टू आपको कहता है कि आपका जो वॉटर टेबल का डेप्थ है वो आपका कहां से, वो आपका डी से तो बड़ा है लेकिन डी प्लस बी से छोटा है। अब समझना ये क्या कहता हूं, और वॉटर टेबल की हाइट जो है वो क्या है आपकी, वो एक्चुअली में डी से और डी प्लस बी से बीच में आ रही है। कैसे लिखूं इसको, मैं लिख देता हूं कि वो डीएफ से भी छोटा है, ऐसा लिख देता हूं। वॉटर टेबल की जो आपकी हाइट है वो लेस देन डीएफ चल रहा है। अब समझना इस चीज को, पहला केस क्या है कि सबसे बड़ी, यानी प्यारे दोस्तों आपका जो पहला केस जा रहा है वो कहां पर जा रहा है, वो है ये, यानी वॉटर टेबल कहां पर है आपका, डी प्लस बी की डेप्थ से नीचे है। दूसरा केस आपका आ रहा है यहां पर, यानी आपका वॉटर टेबल अभी डी से बड़ा है लेकिन डी प्लस बी से छोटा है, ये क्या है, केस टू है। और यहां पर तीसरा केस आ रहा है, यानी आपका जो वॉटर टेबल है वो केस थ्री यहां पर लाई करेगा, डी से बड़ा है, डी से छोटा है ना, डी से ऊपर लाई कर रहे हैं। तो पहले केस में तो कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। मैंने कहा सपोज ये आपकी स्ट्रिप फुटिंग है तो आप अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला लेकर चलोगे ना, क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी, गामा बी एन गामा, यही फॉर्मूला था। तो जब आपका वॉटर टेबल बी से नीचे है तो कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा,
जो स्ट्रेंथ है वो रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपका वाटर टेबल इस बी से ऊपर आ गया है, यानी आपकी मिट्टी जो है वो इन्फ्लुएंस में आ चुकी है, सपोज मैंने कहा कि आपका जो ये पानी की हाइट इंक्रीज यहां से गई है, वो ऊपर से यहां तक जो हाइट जा रही है, फाउंडेशन से जो हाइट है वो एक्स है, यानी एक्स डेप्थ ऑफ द सॉइल जो है वो अभी भी ऊपर है, बाकी की नीचे है। तो मैं यहां से इसका फॉर्मूला अगर बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, जैसे मैं कहूंगा Qu इज इक्वल्स टू में CNC प्लस में QnQ प्लस में, अब आपका यूनिट वेट इंक्रीज और डिक्रीज हो गया, कैसे हो गया समझेंगे, हाफ एन गामा इंटू में गामा इंटू एक्स प्लस में गामा सबमर्ज इंटू में बी माइनस एक्स। अब इसको समझो, पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा, ये तो सेम है, ये यहां तक सेम है। अभी आपको पता है कि एक्स डेप्थ की जो सॉइल है वो बिल्कुल सूखी है, यानी उसको तो मैंने गामा एक्स कर दिया, लेकिन बाकी की जो मेरे पास बी माइनस एक्स सॉइल है, ये क्या है, ये बी माइनस एक्स है, इसको मैंने गामा सबमर्ज करा है, ये क्या है, ये गामा सबमर्ज होता है, तो वो मैंने लिख दिया। अभी तीसरे केस में क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, सी एन सी प्लस, उसके बाद मेरे पास बात आती है प्यारे दोस्तों कि आपका तीसरे केस में ये जो मिट्टी की बी डेप्थ तक की सॉइल है ये तो पूरी भीगी है ना, बी डेप्थ तक की सॉइल तो पूरी भीग रही है ना, तो इस पे तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है, यानी सॉइल का जो आपका इफेक्ट है वो एकदम कांस्टेंट है, यानी आप क्या लेने वाले हो यहां पर, हाफ एन गामा इंटू में गामा सबमर्ज इंटू में बी, कोई डाउट नहीं, प्लस अभी आपको देखना है इस वाले रीजन को, इसको देखेंगे यहां से, इस वाले रीजन को जब आप देखोगे यहां तो फाउंडेशन का इफेक्ट है, तो यानी फाउंडेशन के इफेक्ट में क्यू वाला फैक्टर आता है, स्ट्रेस वाला फैक्टर आता है, तो मैं क्या कहूंगा, सपोज मैंने कहा ऊपर से ये वाई डेप्थ तक तो सूखा है, उसके नीचे ये गीला है, तो क्या करूंगा मैं यहां से, मैं लिखूंगा क्यू एन क्यू, ऐसा क्यू नहीं, क्यू को तो चेंज करेंगे ना, एन क्यू गामा इंटू वाई प्लस में गामा सबमर्ज इंटू डी माइनस वाई। समझो, दोबारा समझो, संदेश भामरे, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गए, ये क्लास आप देख लो, लेकिन उसके बाद आप रिपीट करके जरूर देखना क्लास को, काफी अच्छी चीज बताई है। दोबारा दोबारा सुनो, पहला केस समझ आया मेरे को, अभी सिर्फ पहले केस के लिए थम्स अप बताओ, पहला केस किसी को डाउट तो नहीं है, चलो बस 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 बस, बस खत्म करो। अब आ जाओ दूसरे केस पर, दूसरा केस किसको समझ नहीं आया जल्दी बताओ, दूसरा केस किसको समझ नहीं आया वो बताओ जल्दी से, पहला, पहले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है वर्षा, पहले का दूसरा नहीं आया, समझो दूसरे को समझाता हूं। मैंने कहा दूसरे केस के अंदर आपकी जो मिट्टी है, इसको समझेंगे, दूसरे केस के अंदर आपकी मिट्टी में जो पानी आ रहा है वो पानी इतना है यहां तक, इससे नीचे की जो आपकी मिट्टी है वो गीली है, इससे ऊपर की मिट्टी आपकी सूखी है, इस सूखी मिट्टी की डेप्थ को मैंने कहा x है, कोई डाउट नहीं। तो अभी आप समझने की कोशिश करना कि आप लोगों का जो c होता है वो होता है कोहेजन, q जो होता है ये सिर्फ आप df तक देखते हो, मतलब आप सिर्फ डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन तक देखते हो, उससे ज्यादा नहीं देखते, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपने डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन पार्ट तो बिल्कुल सूखा है ना, उसपे तो कोई फर्क नहीं आ रहा, या भी ये भी एज इट इज है, तीसरा जो है वो एन गामा वाला है, एन गामा रीजन को आप देखोगे, तो एन गामा रीजन को देखने के लिए आपको पता है यहां दो केस बन गए, एक्स मिट्टी तो सूखी है और बी माइनस एक्स मिट्टी गीली है, तो गीली मिट्टी के लिए सबमर्ज आता है ना, तो मैंने वही करा कि सूखी मिट्टी, ये दो तो सेम थे, एक्स गामा इंटू एक्स हाइट तक की मिट्टी तो आपकी सूखी है और गामा सबमर्ज इंटू बी माइनस एक्स की मिट्टी आपकी गीली है, सबमर्ज आ गया, तो वहां से मैंने इस तरह से इसका फॉर्मूला बनाया। क्या नहीं समझ आ रहा, हाँ थर्ड केस अभी बताऊंगा, पहले सेकंड केस बताओ थम्स अप करके, सेकंड केस बताओ थम्स अप करके, समझ आया कि नहीं आया, जिसको नहीं आया कमेंट करो भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का छूट जाए तो फिर दिक्कत रहेगी, किसी का छूटना नहीं चाहिए। चलो अब मेरी बात आती है यहां पर, कृष्णा आप कह रहे थे शायद समझ नहीं आया, मैं आप ही के कमेंट का वेट कर रहा हूं फिर मैं आगे चलूं। टी प्लस बी का कर रहे हैं,
देवानंद डी प्लस बी नहीं कर रहे, टोटल है ना वो, तो टोटल डेप्थ है इसीलिए। चलो अभी थर्ड केस पे डी प्लस बी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टोटल है, तो इफेक्ट ऑफ द वॉटर टेबल इससे नीचे रहेगा तो हम लेकर चलते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं डालता। अभी तीसरे केस में कहता है आपको कि आपका जो पानी है वो अब ऊपर आ गया, आपका पानी यहां पर आ चुका है, और जब यहां पर पानी आया तो मैंने कहा ऊपर से वो वाई डेप्थ तक तो सूखा है और नीचे से वो डी माइनस वाई डेप्थ पे गीला है, और मैंने कहा कि कोहेशन तो एज इट इज रहेगा इस केस में। अभी एन गामा वाला जो रीजन है यानी थर्ड रीजन जो है वो आपका पूरा का पूरा सबमर्ज बन चुका है ना, और अभी जो ये रीजन होता है ये मैं क्या देखता हूं, क्यू वाला रीजन देखता हूं ना, तो क्यू वाले रीजन के अंदर वाई डेप्थ सूखी है, डी माइनस वाई डेप्थ गीली है। फॉर्मूला बनाते हैं सीएनसी एज इट इज, गामा वाला रीजन जो है वो तो सबमर्ज सॉइल आ गई ना, पूरी की पूरी मिट्टी गीली है, तो मैंने उसमें डायरेक्ट कर दिया बी तक। अब इसमें आता है NQ और Q मेरा चेंज हो रहा है, Y डेप्थ तक तो सूखी मिट्टी, उसके बाद D माइनस Y डेप्थ तक गीली मिट्टी। CNC क्या है, C फॉर कोहेजन, NC मतलब कोहेसिव पैरामीटर होता है, ये मैंने आपको पहले बताया कृष्णा, शायद लेट हो गए हो आप, ये मैंने आपको बताया चैप्टर के बीच में ही बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो अब समझ आया आप लोगों को ये, आप सबर करेंगे दोबारा दिखाऊंगा अभी, ये अब समझ आया आपको इफेक्टिव वाटर टेबल विड्थ ऑफ द फाउंडेशन पे डिपेंड करता है। मैंने कब बोला इफेक्टिव वाटर टेबल विड्थ ऑफ द फाउंडेशन से नीचे रहता है तो कोई इफेक्ट नहीं करता, ये बोला मैंने, ठीक है, चलो ये क्लियर है। अब एक बारी जल्दी से दोबारा से हम रिव्यू कर ले क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने आज, फिर आप लोगों को ये ब्रशअप हो जाएगी चीज तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सबसे पहले तो हमने बियरिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था और हमने बताया था कि फाउंडेशन पे डिपेंड करती है। आज हम लोगों ने फाउंडेशन को स्टार्ट करा था, डीप हम कल करें, ठीक है। आगे की बात करते हैं, कुछ लिखूं नहीं तो ज्यादा सही रहेगा, चलो आगे की बात करते हैं। यहां से तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी फाउंडेशन और फुटिंग की, आई होप समझ आई होगी। उसके बाद हमने ये छोटी सी चीज भी पढ़ ली थी, पेपर में कई बार आई है आप लोगों के, ग्रोस प्रेशर इंटेंसिटी और नेट प्रेशर इंटेंसिटी को डिटेल में समझना, और मैंने आपको ये बताया कि नेट प्रेशर इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ डिविएटर स्ट्रेस होता है और कुछ नहीं होता, तो शियर स्ट्रेंथ में अगर डिविएटर को हमने अच्छे से पढ़ा है तो हम यहां पर भी क्लियर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद बात आती है, फिर हमने यहां से जाना था कि इनका फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके जेई एग्जाम के लिए खास बनता है ये चीज। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हमेशा नेट प्रेशर के कारण फेलियर होता है, आप लोगों से ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये चीज क्लियर करनी। मैक्सिमम लोड सहना या मिनिमम कैपेसिटी शो करते हैं हम उसकी कि वो कितनी पर फेल हो रही है, दैट इज द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। और नेट की बात करूं तो उसमें से हम सॉइल का वजन घटा देते हैं तो वो नेट बन जाती है, सेम फॉर्मूला कुछ अलग नहीं, फॉर्मूले जरूरी है ये याद रखना। सेफ बियरिंग कैपेसिटी में आपको याद क्या रखना है, एक तो यही कि सारी फाउंडेशन एसबीसी के लिए डिजाइन होती है, और आरसीसी की मैं बात करता हूं जनरली तो पंचिंग शियर देखा जाता है वहां पर, ठीक है। एचबीसी हम कितनी से कितनी लेकर चलते हैं, 100 से 240 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक लेकर चलते हैं। एक बच्चे ने कहा था एचबीसी का फॉर्मूला तो यहां पर नहीं दूंगा मैं, आरसीसी में दूंगा आप लोगों को एचबीसी का फॉर्मूला। वैसे एचबीसी हम लोग सॉइल मैकेनिक्स लेबोरेटरी में डिफाइंड करते हैं और वहीं से निकाल कर हमें मिलती है, ठीक है। जनरली आप लोग 150 लेकर चल सकते हो, लिख लो ये बात भी, चलो जनरल कितनी लेकर चलेंगे हम लोग, जनरल सेल्फ बियरिंग कैपेसिटी 150, ठीक है। चलो आगे की तरफ, मैंने बताया तीन तरह के शियर फेलियर हैं आप लोगों के, नेक्स्ट क्या पढ़ाएंगे पहले कंप्लीट कर लो उसके बाद देखते हैं। कॉस्ट का स्केड्यूल देख रखा है, कॉस्ट अच्छी चीज है आप लोगों के काम भी आएगी तो कॉस्ट पढ़ाऊंगा। जनरल शियर फेलियर, लोकल शियर फेलियर और पंचिंग शियर फेलियर तीन तरह के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था जनरल क्या होता है, जो आमतौर पर थोड़े बड़े एरिया में देखते हैं, लोकल थोड़ा छोटा एरिया, पंचिंग तो बिल्कुल सीधा, तो बड़े एरिया में हीविंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, छोटे एरिया में हीविंग कम दिखती है, पंचिंग में कोई हीविंग नहीं होती। एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, और टिल्टिंग कहां पर होती है वो आप लोगों की जनरल में होती है। जनरल शियर फेलियर आपको सैंड में दिखता है, लोकल आपको सेट में दिख जाता है, पंचिंग शियर आपको आरसीसी स्ट्रक्चर्स में देखने को जनरली मिल जाता है, ठीक है। चलो
आगे की मैं बात करूं तो ये कुछ नोट लिखवाए थे और मैंने बताया था कि हम पंचिंग सॉइल में क्यों नहीं देखते, क्योंकि हमारे आसपास सारी चीजें जो है वो सपोर्टेड है, इसलिए हम उसको नहीं देखकर चलते ज्यादा। आगे की बात करता हूं प्यारे दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया ही था, हीविंग का केस था छोटा सा। धीरेन्द्र कुमार पाल आप क्या बोल रहे हैं अभी इन डीप, अरे इतना डीप पढ़ाऊंगा ना, गारंटी देता हूं एक भी शब्द बाहर से नहीं आएगा, गारंटी एक भी शब्द बाहर से नहीं आएगा। सुनो ससुर जी हम राजी, मैंने आपको बताई थी, तो SSGHR सुनो ससुर जी हम राजी, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं और ये पांच आपकी एजम्पशन है टर्जाही की, ये आप लोगों को क्लियर करना है, ठीक है। चलो उसके बाद मैंने आपको जोन बताया कि इतने इतने आपके जोन, जोन 1, 2, 3 ये सारी चीजें याद रखना। मैक्सिमम रिजल्ट कहां पर आएगा, ये सेटलमेंट कहां होती है, हीविंग किस केस में कैसे वेरी करती है, वो याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे की तरफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का ये फॉर्मूला बताया था और ये सारी चीजें क्लियर करनी है। कृष्ण पांडे आप देखेंगे ये चीज सीएनसी क्यू एन गामा क्या है वो ये है, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। और इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट ये चीज थी आप लोगों की, एक तो ये प्योर क्ले के लिए आपकी हीरो बनती है और ये फैक्टर आते हैं, फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। उसके बाद अलग अलग स्ट्रिप फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग, रेक्टेंगुलर फुटिंग, सर्कुलर फुटिंग आपके एग्जाम में आई। हीविंग का मतलब होता है मिट्टी उठ जाना, आप एक तरफ से मिट्टी को दबाते हो तो साइड से मिट्टी उठ जाती है, बल्जिंग उसको कहते हैं हीविंग, ठीक है। ये चीज समझाए आप लोगों ने, कोई डाउट तो नहीं है। चलो फॉर्मूला इसमें क्या समझना, लर्न कर लो, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, पहले भी आए हुए हैं। उसके बाद फैक्टर्स बताए मैंने और इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल बताया। आज के सेशन में आप लोगों को खास ध्यान कहां देना है, सबसे ज्यादा टाइम कहां स्पेंड करना है, इस पर आपको ये समझना है, बहुत जरूरी है। इससे नोट्स आज ही बना लेना, इसके नोट्स प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है आज ही बना लेना, खुद लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ताकि कल क्लास होगी तो पूछ लोगे, ठीक है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। सो ये सब आपके काम का नहीं है, ये गेट के काम का होता है, देखना चाहो तो देख सकते हो, ये फॉर्मूले लिखे हैं कि इसका ये इसका ये इसका ये, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं नहीं कहूंगा नो नीड टू लर्न, मैं यही कहूंगा आपको, यही कहूंगा कि याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जेई में नहीं आते, गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जेई। सो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, जो भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी, जो फैक्ट, जो गुण बातें बताने की कोशिश करी, वो आपके समझ में आ गई होगी। इसी तरह के कंटेंट को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सिविल इंजीनियर बनने के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करिए, निखिल गोयल सर्च करिए और मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं, या आपका कोई दोस्त है वो भी जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकता है अनअकैडमी पर। किसी भी कोर्स में ये कोड अप्लाई करो NGLIVE, इस कोड को अप्लाई करने से मेरे प्यारे बच्चे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा ओवरऑल कॉस्ट पर। और मैंने आपको क्या कहा था, मुस्कुराइएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्यों, क्योंकि चेहरे अच्छे लगते हैं, न जाने दिल से आवाज निकलती है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, भाई सब जबरदस्त लाइन है। तो इसी के साथ आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहूंगा मेरे साथ इस सेशन में बनने के लिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, संस्कार गेन करते रहो और देश के लिए कुछ करना है इसी फील के साथ आगे बढ़ते रहो। चलिए प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इसी तरह के कंटेंट के लिए आप YouTube को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करना यार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और लाइक करे, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है और आगे भी ऐसे ही बनाता रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने देश के बच्चों को पढ़ाना है। बाय करे दोस्तों, जय हिंद।